हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं दोस्त प्रसाद। तो भाई आज है मेरी सेकंड टेक न्यूज़। अगर आपको मेरी टेक न्यूज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी ने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है, उसका नाम है डाइजो। एक नया ब्रांड है, वो पहला प्रोडक्ट है डाइजो वॉच। कब लाएगा इंडिया में पता नहीं, चाइना में जल्दी लॉन्च होने वाली है। सेकेंड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं गूगल की तरफ से। तो भाई गूगल पिक्सल 6 प्रो में दिख सकता है अपने को अंडर स्क्रीन कैमरा, मतलब स्क्रीन के अंदर कैमरा। बढ़िया यार। तो दोस्तों तीसरी खबर है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी है अपना नार्जो 30 लॉन्च करने जा रहा है जापान में 20 मई को, वो भी 12 बजे। इधर तो वाट लगा दिया, उधर क्या गुल खिलेगा पता नहीं। फोर्थ खबर है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से। तो भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जाइए रजिस्टर कीजिए, रिवॉर्ड जीतिए। फिफ्थ न्यूज़ है नूबिया की तरफ से। तो भाई नूबिया Z30 प्रो के कुछ लाइव इमेज लीक हुए हैं। भाई पीछे तो 4 कैमरे दिख रहे हैं, अच्छी बात है। सिक्स्थ न्यूज़ है गूगल की तरफ से। देखो गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल प्रो के कुछ लाइव इमेजेस लीक हुए हैं, मतलब दिखने में तो फोन किलर दिख रहा है यार। जब आएगा इंडिया में तो धूम मचाने वाला है। सेवेंथ न्यूज़ है आइको की तरफ से। भाई तो आइको न्यू 5 वाइटलिटी एडिशन के कुछ पिक्स लीक हुए हैं, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है फ़ोन, कुछ गड़बड़ नहीं। देखेंगे जब आएगा। सब बोल रहे कैमरा किलर फ़ोन है, कोई बोल गेमिंग किलर फ़ोन है, देखेंगे कौन किसको कितना किल करता है। एट न्यूज़ निकल के आ रही है वावे की तरफ से। तो वावे ला रहा है आपके लिए वावे फ्री बर्ड्स 4 एडिशन। इसे कुछ लीक सामने आ रहे फोटोज़, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है यार, शामी को टक्कर दे सकता है। नाइन्थ न्यूज़ निकल के आ रही है नूबिया Z30 प्रो की तरफ से। तो भाई नूबिया Z30 प्रो में आपको मिलेगा 120 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर, मतलब आईक्यू और रेडमी के बाद अभी नूबिया भी ला रहा है 120 वोल्ट चार्जर, मतलब भाई फास्टर चार्जिंग होने वाली है और गेमिंग का मज़ा अलग ही मिलने वाला है। टेंथ न्यूज़ है कॉलकॉम की तरफ से। कॉलकॉम ला रहा है आपके लिए स्नैपड्रैगन 778G प्लस 5G, जो किस मोबाइल में आएगा देखेंगे। एक एक गेमिंग प्रोसेसर है। बस इतना ही था आज के टेक न्यूज़ में। अगर आपको मेरी टेक न्यूज़ पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, फिर लाइक करना, मुझे शेयर नहीं चाहिए, कमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप सब्सक्राइब करके रखो। बस इतना ही था, डेली टेक न्यूज़ देखते रहना। बाय बाय।